हाय फ्रेंड्स, मैं आप सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फुके रिटर्न्स के 13 दिनों कलेक्शंस के बारे में। इस फिल्म ने शानदार कलेक्शंस किया था पहले हफ्ते में, सभी को पता है, और इसका वीकेंड 32 करोड़ का था। पूरा का पूरा हफ्ता 50.55 करोड़ तक का था। उसके बाद 50 करोड़ कमाने के बाद फिल्म ने सेकेंड वीकेंड में भी 15 करोड़ के ऊपर की कमाई की थी। मैं सेकेंड वीकेंड का प्रॉपर कलेक्शन बताता हूँ अभी तक का, यानी 13 दिनों तक का। सेकेंड फ्राइडे 3.31 करोड़, सेकेंड सैटरडे 5.15 करोड़, सेकेंड संडे 7.10 करोड़, उसके बाद मंडे जब आया यानी कि 11वां दिन 2.25 करोड़, 12वां दिन 2.10 करोड़, अब कलेक्शन 2 करोड़ के नीचे हो चुके हैं 1.75 करोड़। जी हाँ, 13वें दिन इस फिल्म ने 1.75 करोड़ कमाया और टोटल इसका कलेक्शन अब तक हो चुका है 72.21 करोड़। जी हाँ, 72.21 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है, यानी कि थर्सडे अभी बाकी है, यानी कि ये फिल्म और 1.5 से 2 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, यानी कि इसका टोटल कलेक्शन 74-75 करोड़ तक जाकर रुक जाएगा, क्योंकि सेकेंड हफ्ते जिसका थर्ड हफ्ता होगा यानी कि तब टाइगर जिंदा रिलीज होगी, तो मुझे नहीं लगता इस फिल्म को किसी भी तरह की कोई स्क्रीन मिलने वाली है। लेकिन दो हफ्ते इस फिल्म में राज किया, फिल्म बढ़िया थी तो अच्छी बात है। तो आप फिलहाल कितना खुश से कलेक्शन से जो फिलहाल हो चुकी है 13 दिनों के बाद 72.21 करोड़, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।